हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जो डॉक्टर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे लिए वीर्य नाश के लिए सही बताते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए क्या उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के लिए भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट, कुछ जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो हमारे लिए बताते हैं कि सीमन की बॉडी से निकलने के बाद हमारी माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है, माइंड के अंदर डोपामाइन रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या सही है वीर्य नाश, क्या इसका मतलब सही है कि हस्तमैथुन हमें करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए सेक्स करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये, क्या ये सही है कि अत्यधिक सेक्स करने से हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री हो जाती है, क्या ये सही है कि हमारी बॉडी से सीमन निकलने के बाद हमारा फिजिकली तथा मेंटली ग्रोथ होता है। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, मैं कुछ अपने ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, कुछ ऐसे चीज़ों को आपके साथ में रखूंगा जिनसे आपको खुद लगेगा, आप अपनी बुद्धि से खुद इस चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर का जो फॉर्मेट है, जो मेडिकल फॉर्मेट है दोस्तों, दो फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है, दो डिपार्टमेंट में, एक इलनेस और एक वेलनेस। जितना भी डॉक्टर है दोस्तों आज के समय में जो हमारे लिए ट्रीटमेंट को ट्रीट कर रहा है, जो मेडिसिन की एडवाइस दे रहा है, जो इंजेक्शन हमारे लिए दे रहा है, जो कोई सर्जरी हमारे लिए दे रहा है, तो वो एक इलनेस में आता है दोस्तों। उसका काम है दवा के बारे में जानना, उसका काम है बीमारी के बारे में जानना, उसका काम है दोस्तों उसको ट्रीट करना, कौन सी दवा किस तरीके से कार्य कर रही है, कौन सी साल्ट ने किस तरीके से कार्य किया। उसका काम है MR को देखना, MR की बात को सुनना, बताए हुए ऑफर के अकॉर्डिंग उस मेडिसिन को, उस साल्ट को प्रमोट करना। उसे लग रहा है कि इस साल्ट में ज़्यादा बेनिफिट है तो वो उस साल्ट को प्रमोट कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि इस इंजेक्शन में बेनिफिट ज़्यादा है तो वो उस इंजेक्शन को प्रमोट कर रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति ने ट्रीटमेंट के बारे में, क्या आप जानते हैं कि कभी आप सही हैं और आप डॉक्टर के पास चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप बीमार होते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बीमारी के बारे में डॉक्टर जानता है, बीमारी की पढ़ाई डॉक्टर ने की है, उसकी दवा के बारे में पढ़ाई किसने की है? डॉक्टर ने। अब दोस्तों बात आती है कि पूरी बॉडी के अंदर जो डीपली स्ट्रक्चर होता है वो वेलनेस एक्सपर्ट जानता है, वेलनेस एक्सपर्ट जानता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना न्यूट्रिशन चाहिए। डॉक्टर्स आते हैं, वो बताते हैं हमारे लिए कि किस तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से बॉडी के अंदर वीर्य पावरफुल होता है, किस तरीके से बॉडी के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किस तरीके से भोजन की आवश्यकता होती है, क्या रेशियो होता है, इन सब चीजों के बारे में डीपली एनालाइज वेलनेस एक्सपर्ट वाला व्यक्ति कर सकता है। एक भाई ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि सीमन की जितनी पावर बताई जा रही है उतनी पावर नहीं होती है, सीमन को बॉडी से निकालने के बाद हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अगर ऐसा है तो इंडिया के अंदर हजारों मेंटल पेशेंट हैं, तो क्यों ना उनसे कह दिया जाए कि आप हस्तमैथुन करो, क्यों ना उनके लिए बता दिया जाए कि आप अत्यधिक सेक्स करो, क्यों ना आप अपने बॉडी से 24 घंटे सीमन ही निकालते रहो। हो सकता है कि मेंटल प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाए, क्या पता उनके माइंड में डोपामाइन रिलीज हो जाए और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, अपने माइंड की पावर को बढ़ा सके, हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि सीमन के बारे में बता कौन सकता है। मैं मानता हूं कि आपने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी। पढ़ाई में क्या जाना होगा कि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में इंग्लिश का अध्यापक अलग होता है, हिंदी का अध्यापक अलग होता है, संस्कृत का अलग होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से टीचर अलग होते हैं। क्या आपने सुना है कभी संस्कृत वाले अध्यापक से आप कहो अरबी लैंग्वेज सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, गणित पढ़ाओ? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो संस्कृत का टीचर है वो सिर्फ हमारे लिए संस्कृत ही टीच कर सकता है। दोस्तों, जैसे डॉक्टर बीमारियों के बारे में ही हमारे लिए बता सकते हैं, उनके लिए ट्रीट कर सकते हैं, सीमन क्या होता है, ब्रह्मचर्या क्या होती है, ये नहीं बता सकते। कौन बताएगा दोस्तों? जिसने ब्रह्मचर्या का पालन किया है। कौन है वो दोस्तों? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे संत जो आज भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं तो वो बताएंगे आपके लिए कि ब्रह्मचर्य की पावर क्या है। दोस्तों, एक डॉक्टर कैसे बता सकता है? उसने कभी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं किया है, उसने कभी भी सेलिबेसी को फॉलो नहीं किया है, तो वो कैसे बता सकता है कि सीमन इज मोस्ट पावरफुल? हमारे वेद शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य जीवन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। पूर्व समय के बहुत प्राचीन समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें बच्चे छोटी कम उम्र में जब जाते थे तो वो क्यों जाते थे? वो इसीलिए जाते थे क्योंकि कम उम्र से बच्चे सेलिबेसी को फॉलो करें, ब्रह्मचर्या को फॉलो करें तथा वीर्य अपनी रक्षा करें। ऐसे कितने लोग हैं वीर्य अपना नाश करने के बाद पछताते नहीं है। पश्चाताप हर युवा के लिए होता है, हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो अपना वीर्य नाश करता है दोस्तों। लेकिन फिर भी
क्यों? क्योंकि अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि हमने गलत किया है, ये हमारे साथ में गलत हुआ है। तो दोस्तों कैसे ये सही है, कैसे डॉक्टरों की बात मानी जाए कि ये सही कह रहे हैं? आप भी सोच सकते हैं इस चीज के लिए। अगर डॉक्टर इस चीज को कह रहे हैं कि हस्तमैथुन करने से माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है, तो दोस्तों कहीं भी वेदों में, कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि अत्यधिक हस्तमैथुन करो उससे हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्या के बहुत सारे बेनिफिट हैं। हर उस व्यक्ति, हर उस संत ने ये इस चीज के लिए बताया कि ब्रह्मचर्या के बहुत बेनिफिट हैं। क्यों बताया? उन्होंने उस चीज का प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल करने के बाद अपने जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको शेयर किया है पुस्तकों में। दोस्तों आप पुस्तकों को जब पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, चाहे वो दयानंद सरस्वती की जीवनी है या फिर विवेकानंद की जीवनी है या फिर महावीर की, दोस्तों ब्रह्मचर्या की पावर क्या होती है आपने जरूर देखा होगा। उन संतों को दोस्तों, उनके पास दिव्य शक्तियां क्यों आ जाती हैं? क्योंकि सेलिबेसी को फॉलो किया है। दोस्तों भीष्म पितामह ने मृत्यु को क्यों जीत लिया था? क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी थे। आपने देखा है कि आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने, आज उनके बताए हुए नियमों पर फॉलो करते हैं लोग, उनके लिए क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो किया था। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो किया। एक ऐसे ही ब्रह्मचारी जो इस्कॉन से रिलेटेड हैं, उनका एक छोटा सा ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वो दोस्तों क्या बताते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, वीर्य क्या है, तथा आज के कुछ बांगड़ू जो डॉक्टर्स हैं वो वीर्य के बारे में क्या बताते हैं, इस चीज के बारे में सुनते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो क्लिप शुरू करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वीर को अपने अंदर रखेगा, ओजस्वी तेजस्वी, दिस पर्सन विल बिकम मोर ब्रॉड हार्टेड, मोर एक्यूट इन हिज इंटेलिजेंस। शास्त्र बहुत अच्छे समझ में आते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। उम्र लंबी होती है, पर्सन बिकम्स डिसीज फ्री, ऑलमोस्ट डिसीज फ्री बाय ब्रह्मचर्य। ना कोई व्यक्ति अपना वीर बहाता है यंग एज में, उसका बुढ़ापा उतना दर्दनाक होता है, कष्टदायक होता है, बुढ़ापे में बहुत कष्ट पाता है। अरे जिसने यंग एज में बहुत भोग किया, कहता है अरे ये जवानी है दीवानी, कोई बात नहीं सर, बुढ़ापे में तुम पिटोगे बेटा अच्छे से फिर। तो इसीलिए यंग एज में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ब्रह्मचर्य का पालन करना। हमारे लिए अगर ब्रह्मचर्य तथा वीर्य के बारे में जानना है, तो उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा है। उससे लिए हुए एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही हद तक फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों हमारे लिए डॉक्टर की बात जब माननी चाहिए, अगर वो हमारे लिए कोई बीमारी है और हम ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा चीजों को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स पर प्रकाश डाला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा बेल आइकन के लिए भी प्रेस करें, जिससे मेरी हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।